हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। सबसे पहले मैं सारे अपने फ्रेंड्स को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और इसी के मौके पे मैं लेके आई हूँ शेर खुरमा। वो भी बिना हम चीनी के बना रहे हैं, ये शुगर फ्री रहेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बनाने का। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी, 20 ग्राम्स काजू लिया है, 20 ग्राम्स ये बादाम लिया है मैंने काट के। इन दोनों को डालेंगे फर्स्ट में। और इसे भून लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। एक बार नट्स हल्की गुलाबी हो जाए, इसमें हम ऐड कर देंगे खरबूजे का बीज, ये करीबन 1 टीस्पून है, उसे भी ऐड कर देंगे। और ये मैंने लिया है डेट्स, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे काट के लिया है, करीबन ये 2 टीस्पून है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर दें। अब इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी सेम पैन पे हम आधा कप सेवई इसे ले लेंगे और इसे भून लेंगे। हल्का लाल होने तक हम इसे भूनेंगे। मीडियम लो पे गैस होगा, फ्लेम ज्यादा हाई नहीं होगा। एक बार सेवैया हल्की गुलाबिया हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध, हल्का गुनगुना दूध है। तीन सौ ग्राम दूध मैंने डाला है। अब इसे हम बॉईल होने देंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा, ज्यादा हाई फ्लेम पे इसे ना पकाएं, तो दूध बर्न हो जाएगा और सेवैया नहीं पकेगी। तो इसे बॉइल होने दे। इतने सेवैया बन रही है, मैंने कुछ केसर के स्टैंड लिए हैं। आप गुनगुना दूध डाल के इसे हम भिंगा लेंगे, केसर स्टैंड को इसे भींगने दें, जिससे केसर अपना अच्छा बहुत अच्छा कलर छोड़ देगा। तो इस तरह से हम केसर को रखेंगे एक साइड में। यहाँ मैंने कुछ डेट्स लिए हैं, इनके बीजे हटा दिए यहाँ से, इनको डालेंगे, करीबन ये 10 पीस है। इस किसन में डालेंगे थोड़ा दूध, इसे ये आसानी से प्रेस जाए। इसका हमें पेस्ट बनाना है। अब इसे हम पीस लेंगे। डेट का पेस्ट बन चुका है, इसे हम एक साइड में रखेंगे और फिर सेवैयों को हम संभालेंगे। सेवैयों को हम बीच में मिलाते रहेंगे। इसे 5 से 7 मिनट हो गया है पकते हुए, इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, सेवई को और थोड़ा पकाएंगे, करीबन 5 मिनट और इसे पका लेंगे। सेवई को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, इसमें हम डालेंगे केसर जो हमने भिंगाया था, केसर स्टैंड्स, इसे भी ऐड कर देंगे। इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था खजूर का, डेट्स का, वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स दे देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 से 3 मिनट हम और पका लेंगे, बिकॉज जस्ट हमने कभी खजूर का पेस्ट डाला है। दो से तीन मिनट कंप्लीट हो गए हैं, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने फ्राई किया था,
और कुछ बचा लेंगे हम गार्निशिंग के लिए। कुछ हमने रख लिया है थोड़ा गार्निशिंग के लिए, अपने इसे मिला देंगे। शाही शेर खुरमा रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम डोनट से गार्निश करेंगे। लीजिए, शुगर फ्री, बिल्कुल भी चीनी डाला नहीं है हमने, ये बिल्कुल